दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग कोलकाता फॉर द फर्स्ट टाइम, और अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है। स्टेशन से ओयो से एक होटल बुक करा है, और होटल बुक करने के बाद, फ्रेश होने के बाद अभी मैं निकली हूँ घूमने, बिकॉज ऑलरेडी मैं ट्रेन पे सोते हुए आई हूँ तो मुझे नींद नहीं लग रही है। सो मैं होटल से आई हूँ अभी। होटल से निकल के सब मैंने पहले लिस्टिंग कर ली थी कि कहाँ कहाँ घूमना है, तो पहला प्लेस मैंने डिसाइड करा, बिकॉज कन्फ्यूजन बहुत हो रही थी कि कहाँ घूमना है, और फिर समझ नहीं आ रहा था पहले कहाँ जाऊँ। तो मैंने रूट्स देखे सबके कि कैसा जाता है रूट, मतलब एक रूट पे अगर जाते हैं तो उस रूट पे और क्या क्या है घूमने लायक, तो वो सब कवर करते हुए जाना है, ये सब मैंने सोचा और ये सब डिसाइड करा। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम वाला है। सिलीगुड़ी का व्लॉग, उसके बाद दार्जिलिंग का व्लॉग, फिर सिक्किम गैंगटॉक का व्लॉग, सारे व्लॉग वीडियोस मैं पार्ट्स में अपलोड कर रही हूँ। जो भी वीडियो आप देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक मिल जाएगा। रेडी हो जाइए मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूर के लिए, और आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करे चालू करते हैं वीडियो। वाली हूँ वेस्ट बंगाल का, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि म्यूजियम भी बोल सकते हैं जिसको। तो चलिए बिना देरी करे चालू करते हैं। इस रास्ते से आई हूँ और ये है विक्टोरिया मेमोरियल जहाँ के लिए मैं निकली थी, तो वहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं। और यहाँ से इस रास्ते से जैसे मैं आई तो यहाँ पे स्टॉप किया उबर वाले ने, तो अभी क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी चौपाटी सी लगी हुई है, चाय है और भी खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आ चुकी हूँ, तो अभी चलते हैं। इधर है विक्टोरिया मेमोरियल और मैं आगे जा रही हूँ। बस आसपास भी कुछ आइसक्रीम और खाने की चीज़ें लगी हुई है, और टैक्सी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं लोग बोलना तो नहीं चाहिए बट ठीक है, चलाते हैं गंदी गाड़ी। कुछ खाने का भी है यहाँ पे, अगर किसी को खाना है टिकट लिया जाए यहाँ से। टाइमिंग लिखी हुई है, तो ये सब डिटेल्स लिखी हुई है, लेते हैं टिकट्स। तो पहले ये टिकट काउंटर है, 30 रुपीज़ की टिकट आ रही है इसमें, और फिर हम अंदर जा सकते हैं। एंट्री आई थिंक उधर से होगी, चलते हैं। तो यहाँ पे चेकिंग भी हो रही है, फाइन। तो थोड़े अंदर आने के बाद ग्रीनरी है, गार्डन मेंटेन्ड है जैसे हर गार्डन होती है, और वो बिल्डिंग तो उधर है, बाकी सराउंडिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेंटेन्ड है पूरा गार्डन रखा हुआ है जैसे इन्होंने, अच्छा है, मतलब शांति है यहाँ पे, जिसको थोड़ा घूमना है चिल करना आ सकता है, बिकॉज ग्रीनरी ग्रीनरी है सराउंडिंग में पूरी तरफ से। और बिल्डिंग तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा वहाँ पे क्या है सीन, बाकी ये बाहर का तो बहुत सही सीन है। ये जैसे है ये पौधे जो लगे हुए हैं, है ना, तो ऐसे
शेप दे के ना उनको डिवाइड कर दिया गया है थोड़े थोड़े प्लेसेस में, और ये बीच में जैसे आप देख रहे हैं पौधे लगा दिए गए हैं, और मतलब बहुत सारा शेप दिया गया है। डिवीजन करके ना बहुत सारा शेप देके अच्छे से मतलब देखने लायक बना दिया गया है, बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। इधर भी देखेंगे तो बहुत दूर तक ये दिखेगा आपको ग्रीनरी, पेट्स नॉट अलाउड। ओके, रोना भी नहीं चाहिए, सब कुत्ते मुझे नहीं पसंद है, कुत्ते बिल्ली कुछ भी नहीं पसंद है। आगे नहीं जाते, मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम देखेंगे तो ये एक नहर जैसा बोल सकते हैं, नदी भी नहीं बोल सकते, नाला भी नहीं बोल सकते, नहर जैसा बोल सकते हैं, फिर लेक जैसा बोल सकते हैं, और ग्रीनरी है काफ़ी। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, और ये जो आप नहर देख रहे हैं वो उधर भी है। यहाँ पे लोग आके फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है यार, मतलब किसी बारे में जैसे पेट्स नॉट अलाउड लिखा हुआ था। और देखो ये जो अभी हमने नहर देखा उसका दूसरा हिस्सा, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आई डोंट नो ये पानी कहाँ से आता है, बट बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे कुछ स्टोरीज लिखी हुई है, काइंड ऑफ स्टोरी। यहाँ से ऊपर चढ़ने का भी है, बट उसको भी रास्ते को बंद कर दिया गया है ये ग्रीन वाले रस्सी से। चले अंदर चलते हैं। ओके, तो ये मेन गेट है, क्लोज्ड ऑन मंडे। ओके, तो यहाँ से लोग जा रहे हैं और यहाँ से एंटर हो रहे हैं। लेट्स गो। आगे चल रहे हैं, यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक है। ये कुछ बन रहा है यहाँ पे, बैग आई थिंक यहाँ पे बैग रखना है ये। ओके, ये आ गया हमारा बैग। ये महिला एंड पुरुष, सो हम एंटर कर रहे हैं ये गेट पे। यहाँ से हमने अभी एंटर करा है, और ये आप देख सकते हैं राइट साइड जैन लिखा हुआ है और दो फोटोज़ हैं, और यहाँ से सेंटर एंटर कर सकते हैं सेंटर पे, बट हम जाएंगे ये लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से घूमना चालू करके अपन राइट साइड से वापस आएंगे घूमते हुए। ओके, लेट्स गो, चलते हैं। यहाँ पे आईना है, ज़रा देखें हम। नाइस, चलते हैं। अंदर आए तो ये एक जगह है, उस टीवी सा चल रहा है, सॉरी प्रोजेक्शन हो रही है कुछ, और ये ऐसे बनाया गया है। फोटो इधर है और इधर भी दो फोटोज़ हैं।
ये कुछ लिखा हुआ है, रखा हुआ है। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो नेता जी के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए थे और मुकदमे का परिणाम क्या हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर है ये सभी चीज़ें। इधर भी फ़ोटोज़ लगी हुई है और अंदर चलते हैं। ये बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है ये जगह। ये देखो VRI, आई डोंट नो उसका मतलब क्या होता है। तो सुभाष चंद्र वो एक लेटर है, मतलब लेटर का पीस है जिसको बड़ा करके चिपकाया गया है वहाँ पे बोर्ड पे। और उसमें क्या लिखा हुआ है देखें। बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा क्यों दिया? ओके, वो देखने के बाद एक मशीन लगी हुई है तो इसमें आप ईयर्स और कुछ चीज़ें देख सकते हैं कुछ डिटेल्स में। तो जैसे मैं ये 18 19 जैसे क्लिक करूँगी तो वो कुछ डिटेल आ जाएगा। वर्षों के माध्यम से बोस माँ प्रभावती देवी पिता जानकी नाथ बोस। ओके, सो मैं ये क्लिक करती हूँ। तो ये टच स्क्रीन है, पूर्ण स्वतंत्रता किसे कहते हैं। और ये यहाँ पे दिया हुआ है बैक करने का, मतलब ये जब एयर टच करेंगे तो यहाँ से मतलब एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है उस ईयर में क्या हुआ था। और इसकी फिर पूरी स्टोरी यहाँ से आप नेक्स्ट पेज नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली फाइन। पूरा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उनकी पूरी लाइफ स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये वाला जो सेक्शन है ये हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम जाएंगे राइट साइड वाले सेक्शन की ओर और फिर हम जाएंगे सेंटर वाले सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले ये हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सामने वाले सेक्शन, मतलब एंट्री गेट से राइट साइड वाली साइड। ये भी बहुत सुंदर बनाया गया, बहुत ही सुंदर है ये जगह जो है। जिसने भी डिज़ाइन करा ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा है। यहाँ पे भी प्रोजेक्शन में कुछ चल रहा है। और यहाँ पे सेंटर में है क्या, कुछ चीज़ें रखी हुई है। ओके, तो बैचेस रखे हुए हैं और कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई है। और ये उनकी टोपी रखी हुई है मेन गेट के जस्ट सामने में। ओके, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रखी हुई है। नेताजी ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में संपूर्ण स्वाधीनता के संकल्प में संशोधन क्यों प्रस्तावित किया? ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। लाइफ स्टोरी काइंड ऑफ, और इंडिया की स्टोरी भी बोल सकते हैं उस टाइम की, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। यहाँ पे ओह क्या है, ये ड्रेस क्यों लगी हुई है यहाँ पे? तात्या टोपे को अचकन के साथ उनके सिर के केश रेशम एवं मखमल का कपड़ा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे ने अहम भूमिका ली थी। ओके, अचकन जैकेट। ओके, तो ये तात्या टोपे का है और उनका बाल। ओके, और इधर जैसे जाते हैं हम तो ये तो हो गया उनके उनका ड्रेस। और ये देखो गन रखी हुई है एक एनफील्ड बंदूक, एनफील्ड बंदूक कार्बाइन कैवलरी। प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था, निर्माण से भी 1865 to 68। ओके, नाइस।
उनकी याद आ गई मुझे। सो इसकी भी बनावट वैसी ही है इधर वाले सेक्शन की भी, बट चीज़ें थोड़ी डिफरेंट रखी हुई है यहाँ पे। जैसे हम अगर इधर देखें तो ये एक है जॉर्ज लाइल कलेक्शन। ओके, सो ये कोई पेंटर का कलेक्शन लगता है मुझे। और ये कुछ चीज़ रखी हुई है, आई डोंट नो ये क्या है, बट ऊपर से नीचे से ऊपर तक दिखाया जाए तो ये क्या है, चलो पता करते हैं। फोर्ट जेनिथ सेक्टर बाय रामसडेन जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, डू नॉट टच प्लीज। ओके, ये फिर से फोटोग्राफ है, ओरिजिनल मॉडल बाय एम पर्सन। ओके, ओरिजिनल मॉडल बाय एम पर्सन। ओके, ये आई थिंक ये विक्टोरिया जहाँ पे हम घूम रहे हैं, विक्टोरिया म्यूजियम जो भी है, ये आई थिंक उसका मॉडल है। ओके, नाइस। और ये बहुत बड़ी फ़ोटो है, बहुत बड़ी फ़ोटो है ये, काफ़ी बड़ी फ़ोटो है ये, वाइड एंगल भी करें तो भी काफ़ी बड़ी है ये। चलिए वीडियो में पूरी दिखाते हैं आपको। ओके, फाइन, अब आगे चलते हैं। नो फ्लैश, ओके, मतलब नो फोटोग्राफी ऐसा लिखा हुआ है। और ये है मॉडल ऑफ मॉडल ऑफ सेलिंग शिप इन द 19th century। ओके, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने में, आई डोंट नो ये कैसे बनाया गया, जो भी है स्ट्रक्चर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है देखने से। ओके, नो फ्लैश, ये फिर से फोटोग्राफी है किसी की। यहाँ पे पियानो रखा हुआ है, ये जिसका भी पियानो है आई डोंट नो, बट है तो सुंदर। तो ये पियानो है एक, ये भी एक बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी हुई है यहाँ पे भी। लगा हुआ है इसकी, आई डोंट नो इसका कहानी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्या पता आपको समझ आ जाए ये स्टोरी देखे कि क्या सीन हुआ था, क्या सीन है इनका। सो इधर से हमने देख लिया है, अब इधर देखते हुए वापस चलते हैं। किसी ने कुछ छू लिया, हम वापस जा रहे हैं। और अब हम आ गए वही सेंटर प्लेस पे, अब यहाँ से हम जाएंगे सेंटर वाला जो रास्ता था वहाँ अंदर। तो यहाँ पर भी कुछ लिखा रखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो है। सो हम अंदर आ गए हैं और ये ऊपर से नीचे तक दिखाती हूँ आपको, ये हम अंदर आ गए हैं, आपको पूरी ये जगह दिखाती हूँ अच्छे से। यहाँ पे प्रोजेक्शन चल रहे हैं, जो वाइट कलर के पर्दे लगे हुए हैं उसमें कुछ प्रोजेक्शन्स हो रहे हैं। ओ, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल तो है, और साथ में आप देख सकते हैं ऐसे जो बने हुए हैं उसमें अलग अलग तरीके के पेंटिंग्स बने हुए हैं, जो कि मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक रानी विक्टोरिया के बारे में है ये सब। ओके,
ये पूरे प्रोजेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ पे है मतलब गैलरी की तरह दिया हुआ है, बट आई डोंट नो वहाँ तक जाते कैसे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ, जैसे ये कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े और जूते सुभाष चंद्र बोस जी के, ये जूते और कपड़े रखे हुए हैं। और उसके बाद रखी हुई है, फाइन। तो ये हमने घूम लिया। यहाँ पे मिरर्स लगाए गए हैं, मे बी इसलिए कि विजुअलाइजेशन हो, मतलब विजुअलाइजेशन नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं उसको, कि और रिफ्लेक्शंस हो एग्जैक्टली, तो लोगों को समझना है कुछ, मे बी थोड़ी सी ध्यान भटकाने के लिए, बट लोग उसमें मिरर सेल्फी ले लेते हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हैं, इधर एक दरवाज़ा है और इधर एक दरवाज़ा है, और ये भी जगह वैसी ही बनाई गई है। तो पहले लेफ्ट चलते हैं, उसके बाद हम राइट जाएंगे। ओके, ये लिखा हुआ रखा हुआ है, क्या है ये, चश्मा और उसका पैकेट। ये है आज़ाद हिंद फौज के एक सेनानी का एनक। ओके, यहाँ सेंटर पे भी तलवार है और कुछ बुक्स और चश्मा, फाइन। यहाँ पे भी प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, कुछ पेपर कटिंग्स है और कुछ फ़ोटोज़ हैं, फाइन। तो ऐसी है ये जगह। गेट देखो, गेट कितना सुंदर है, अच्छे से दिखाती हूँ। ये एंट्री गेट है, लोहे का ब्लैक कलर का गेट डिज़ाइन देखिए, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। ओके, यहाँ पे भी और प्रोजेक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, जैसे ये इधर इस वाले सेक्शन में पूरा ये फ़ोटो भी लगा हुआ है, फ़ोटो और कुछ पेपर्स जिसमें इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, जैसे ये। यहाँ पे प्रोजेक्शन हो रही है, पेपर प्रिंट है ये। डेट तो एटलीस्ट मैं बताई सकती हूँ, मंडे जुलाई 5, 2003। तो ये गेट से हम आए हैं, हम वापस जा रहे हैं अब। अब सामने की तरफ चलते हैं, मतलब एंट्री करते हुए राइट साइड पे, पर ये एग्जिट है, फाइन। तो हम चलेंगे सामने, यहाँ पे भी ये मिरर लगी हुई है। हेलो, यहाँ पे बुक्स रखी हुई है, फोटोग्राफी मिरर का यूज़, करेक्ट यूज़। और इधर का दरवाज़ा ये लकड़ी वाला, उधर का लोहे वाला था सुंदर सा, ये भी काफ़ी अच्छा है। इधर बुक्स रखी हुई है, द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम। और इधर भारतीय समुदाय को नेताजी का अंतिम संदेश क्या था। ओके, सो बहुत सारे प्रिंट्स रखे हुए हैं। और अंदर जाएंगे तो हम जैसे लेफ्ट साइड से चालू करते हैं, ये एक मैप बना हुआ है
कलकत्ता टू बर्लिन। ओके सो ये कलकत्ता टू बर्लिन मैप है, मतलब जब बाय सी आते थे, ट्रेन से भी बना हुआ है यहाँ पे, बाय रोड भी बना है, आई थिंक आई डोंट नो, इसका मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ प्रिंट्स रखे हुए हैं और ये बाहर का व्यू, हम जाने वाले बाहर बस थोड़ी देर में, बस ये पूरा घूम के, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं थक गई हूँ घूमते घूमते। ओके सो ये एक पिक्चर है मैप की, धनबाद से, आई डोंट नो, और इधर भी कुछ है, वो बाय रोड है जो पिक्चर है, और ये है जो ट्रेन से है। चलो आगे चलते हैं। इसकी डिजाइनिंग थोड़ी अलग है, ये फोटोग्राफ्स और पेपर न्यूज़ प्रिंट ये सब लिखे रखे हुए हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कुछ। ओके यहाँ पे फोटोज है बहुत सारी, नेताजी एक राष्ट्र एक आत्मा के अमर प्रतीक। ये महलों जैसा बना हुआ है बट इसमें रूम्स नहीं है, बस इसमें वो है हॉल है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी सारे न्यूज़ पेपर के प्रिंट है, सॉरी, और पेपर प्रिंट है, वो सब लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे पुराने। तो ये वाला सेक्शन भी हमने घूम लिया है, अब ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया है। ये और एक है जगह, सॉरी अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे स्टैचूज बने हुए हैं, और उधर जाने का आई डोंट नो है कि नहीं, वापस चलते हैं, हम अब वापस जा रहे हैं। ये मेरी फोटो, सो ये सब हम देखते हुए आए थे, बस ये अभी एंड हो गया। यहाँ से हम आए थे तो उधर भी लेफ्ट राइट वाला हॉल घूम लिए, इधर से भी लेफ्ट राइट वाला हॉल घूम लिए, अब वापस एग्जिट की ओर हम जा रहे हैं। यहाँ से भी है नो एंट्री ऊपर जाने के लिए, यहाँ से भी सीढ़ी है बट नो एंट्री, फाइन। यहाँ से ऐसा है कैंटीन एंड वॉशरूम, ये टॉप है, ये इधर से कैंटीन एंड वॉशरूम, तो किसी को पानी पीना है, कुछ खाना है या फिर वॉशरूम जाना तो जा सकते हैं। और मतलब अंदर तो काफ़ी सुंदर है ही है, बाहर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, मतलब वही ग्रीनरी है, हरे घास कितना ही देखोगे। फाइनली हम बाहर आ गए बिकॉज मुझे एक दिन मिला है कोलकाता घूमने का, और आई डोंट नो मैं आज कौन सी जगह कवर कर पाऊँगी। सो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, विक्टोरिया म्यूजियम, या फिर विक्टोरिया क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। इधर से फिर हम वापस जा सकते हैं, जिधर से हम आए हैं, और इधर से हम वापस जा सकते हैं, फाइन। आपको सराउंडिंग पूरी दिखा देती हूँ, ये है ऐसा, और हम उधर से भी जा सकते हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, और यहाँ से भी एक रोड है, उधर से भी एंट्री है,
ये पीछे से है बैक साइड फोटो। वो गेट है और एक आने का अंदर, आई डोंट नो, मैं कोलकाता पहली बार आ रही हूँ तो वो कौन सा रोड है और वो कौन सा गेट है, बट इट्स ओके। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये काफ़ी बड़ा भी है। मैं ऊबर मैंने बुक करा है, उसका वेट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने टू व्हीलर बुक करा है, बिकॉज टू व्हीलर पे घूमने से फ़ायदा ये है कि आसपास की चीज़ें क्लियर दिखती हैं और कैब में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो बोल सकते हैं, टू व्हीलर में पैसे कम लगते हैं कैब के कंपेरिजन में, बहुत कम लगते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने टू व्हीलर बुक करा है, और सिंगल सोलो ट्रैवलर के लिए पैसे बचाना और अच्छे से इन्जॉय करके घूमना मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये कुछ लोग मे भी समझेंगे। चलिए वेट कर रही हूँ अभी तो मैं ऊबर का, थोड़ी देर में अभी निकलते हैं बाहर यहाँ से। और कहाँ जा रहे हैं हम, मैं वापस से भूल गई, बोल गई है। ओके उसके बाद एक घाट है वहाँ पे, तो उसका मैंने नाम अभी ठीक से पढ़ा नहीं है। वहाँ पे एक है घाट, मे बी वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा तो वॉक करके जाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ के लिए भी हम कैब कर सकते हैं, कैब नहीं मोटो ऊबर मोटो। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, पानी है, पानी पूरी है और बहुत सारी खाने की चीज़ें, स्टॉल्स लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है एक्सिट गेट बोलते थे, साउथ गेट बोलते हैं इसको, मुझे अभी पता चला वैसे। चलो कुछ खाया जाए, खाने वाली हूँ। ये बन गया है और ये है 30 रुपीज़ का। ओके